पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बासित अली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को मिली करारी हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI पर निशाना साधा है। बासित ने बोर्ड द्वारा रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी को लेकर कैजुअल रवैया अपनाने पर राय रखी है। मालूम हो कि BCCI ने इस साल की शुरुआत में कड़ा रुख अपनाते हुए सभी खिलाड़ियों को घरेलू टूर्नामेंट में खेलने के लिए कहा था। हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा को इन नियमों से छूट दी गई थी और इन दोनों पर निर्भर था कि वे घरेलू टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं या नहीं। कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का फॉर्म न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में काफी खराब रहा, जो भारत की हार के एक प्रमुख कारण रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत को उसी की जमीन पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराया और सीरीज में क्लीन स्वीप किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ करारी हार से भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं अब कठिन हो गई हैं। बासित ने अपने YouTube चैनल पर कहा, ये अनिवार्य किया गया था कि आपको भारतीय टीम में चयन के लिए पात्र होने के लिए खुद को घरेलू क्रिकेट के लिए उपलब्ध करना होगा। सभी खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में खेले, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत भी, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली को फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप दोनों खुद को इससे बाहर भी रख सकते हैं। बासित ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को सलाह देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 नवंबर से होने वाली 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले इन दोनों खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में खेलना चाहिए। बासित ने कहा, विराट कोहली अपनी लय में नहीं है और खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले घरेलू क्रिकेट में खेलना चाहिए। रोहित शर्मा के लिए भी यही बात लागू होती है क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में टेस्ट मैच का अभ्यास नहीं दिखा। इस साल विराट कोहली ने 6 टेस्ट मुकाबलों में 22.72 के औसत से 250 रन बनाए, जिसमें सिर्फ एक अर्धशतक शामिल है। दूसरी ओर रोहित शर्मा ने 11 टेस्ट मुकाबलों की 21 पारियों में 29.41 के औसत से 588 रन बनाए। रोहित शर्मा ने इस साल टेस्ट में 2 शतक और 2 अर्धशतक जड़े। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने सिर्फ BCCI को ही नहीं, यहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी तंज कसा है। उनका मानना ये है कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा एक अच्छी फॉर्म में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी घरेलू क्रिकेट खेलना उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी खिलाड़ियों के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल ने भी घरेलू क्रिकेट खेली है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।